आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, एकदम से मस्त होंगे, और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो चलिए आज आपको मैं लेकर चलती हूँ सेक्टर 45 की गौशाला में, जहां पर अयोध्या से पूजित अक्षित आए हुए हैं और हम भी अपने मंदिर के लिए उन्हें लेने जा रहे हैं। जो भी पुरुष होगा उसके साथ अपने पीछे खड़े हो जाना है, उसको हाथ लगा लेना। प्लेट उनको मिलेगी जो मंदिर के प्रमुख है, आरती करनी है। सामूहिक आरती का मतलब यह नहीं है कि आपके पास भी प्लेट और दीपक हो, आप उनके साथ खड़े हो, आपने उनका अर्थ कर लिया, साथ खड़े हो जाना। राजे रखो शंभु सुखवारी, कामना को पूरा करो जन्म बिहारी। जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, गणपति महाराज घर का मिलनी में होगा, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उनके हाथ पे देना है और हाथ जोड़ के उनको नमस्कार करके उनको कहना है कि ये भगवान राम का आपको निमंत्रण है। आप कभी भी 22 तारीख के बाद जब आपको समय मिले तो जरूर अयोध्या जी आए, और उसके बाद क्या है कि भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये जो अयोध्या जी का जगह है, जो मंदिर बना है, ये 500 साल की जो साल लगे हैं और 74 लड़ाइयां हुई हैं, 4,00,000 लोग हमारे शहीद हुए हैं। आप सोच सकते हैं अभी कितनी इसमें मेहनत लगी होगी। ये हमारा सौभाग्य है कि ये हमें ही ये समय मिला है, ये हमारे ही समय में ये हो रहा है, हम बड़े भाग्यशाली हैं। इसको सब हम मिलजुल कर सभी ये समाज का काम बने और मंदिर केंद्रित ये सारा कार्य हम कर रहे हैं। और ये 22 तारीख के बाद 22 तारीख को क्या करना है कि अपने घर में जब बड़ी दिवाली होगी पूरे शहर में, मार्केटें सजाई जाएंगी, घर सजाए जाएंगे, हर घर के बाद 5 दीपक जलाए हम। और वैसे ही जैसा दिवाली पे हम मिठाई बांटते हैं या नए कपड़े डालते हैं, वैसा ही काम हमने करना है।
और मंदिरों को केंद्रित करना है ताकि अपने मंदिर भी जो है उसमें भी संख्या आनी शुरू हो, अपने यूथ इसके साथ जुड़े। और हर मंगलवार को यहाँ पे जब 22 तारीख निकल भी जाए तो उसके बाद भी जो मंगलवार को हनुमान चालीसा वगैरह कोई ना कोई पाठ होता रहना चाहिए, मंदिरों में रौनक। आस्था मंदिर 41 अब हमने अपने कलश को अपने मंदिर में स्थापित कर दिया है। कलश के अंदर लाए हुए अक्षत को 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हम घर घर प्रभु श्री राम जी का न्योता पहुंचाएंगे, जिससे अपने भविष्य में हर इंसान एक बार अयोध्या के दर्शन जरूर कर सके। और आज हमारे मंदिर में 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मना रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सभी लोग इकट्ठे होकर माँ भगवती तुलसी की पूजा कर रहे हैं। श्याम वरण जाता,
पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी स्वामी शरण रहूं मैं किसकी बिन और न दूजा प्रभु बिन और न गोया आस करूं मैं जिसकी सेवा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर की आरती जो कोई मेरे भावे स्वामी प्रेम सहित गावे शिवानंद सिंह बोलो तुलसा धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो गंगा मैया की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव शंभो सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद मेरी शांति शांति देव शांति श्यामा शांति हृदि शांति भवतु जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम तो दोस्तों फाइनली हम सब भारतवासियों का 500 साल पुराना सपना पूरा होने वाला है क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया जाएगा और इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा।